वेल चिप इज़ अ फाउंडेशन जो अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए तो काम करता है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एंड इट्स अ वे ऑफ डूइंग समथिंग वेरी न्यू एंड इनोवेटिव थ्रू चिप, मतलब अब जो हम जानते हैं थ्रू आईपैड्स, थ्रू कंप्यूटर्स. आई थिंक जब ज़माना इतना मॉडर्न हो गया है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनोवेटिव वे ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन. एंड आई थिंक हमारे देश में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एजुकेशन इज़ अ मस्ट एंड इट्स बिकम आई होप इट बिकम्स अ कंपल्सरी. I think I love children and anything to do with children is always a lot of joy and I think main hamesha shukrguzar hu mere parents ki that they educated me and I think wherever that it's possible we have to learn how to read and write. Kehte hain that you know whoever is even thode se education gives so much confidence to a person. To bacche jo hain youth they are the future of our you know country. So I think bahut hi acha hai that they have come up with something like this and Dr. Banerjee has been supporting this cause. I think it's brilliant. Charity I think in the right way means trying to reach out to people. I know a lot of people are associated with this association and main kahungi ki charity isliye kyunki the way things are today it's great if we can be of help to children or, and also to anybody in the world. Quite a few films hopefully but Z Plus is on due for release. Maine teen gaane kiye hain, main sutradharu film mein ek gaana nahi hai, maine teen gaane kiye Sukhvinder ji ke sath and jo log mujhe bahut time se dekhna cha rahe the in a little in a little bit of dancing and glamorous avatar, there's a little bit of me in that film and I think wo aap jaake zarur dekhe. 28 November ko release ho rahi hai and mera gaana zarur dekhna. That's all I want to tell my audience. Yeah.
Oh yes, all the very best, and I think it's a great great day for her, and of course best wishes and a great life ahead. I think jitna ho sake celebrities ho ya normal people ho, as much as you can, you must go ahead and do it. Wo to aapko hamesha karni chahiye, it goes without saying. Hai bhi to main batana chahungi. Not really, but yes, hopefully. I'm always involved with a lot of people, not with any organization as such. But here I'm here only for Dr. Banerjee, who I know for a very long time. So yes, I'm supporting her. Thank you. अच्छा अच्छा आई आई ओके जी जी ये संस्था जो है हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ हाँ ये संस्था जो है हमने 10 साल पहले शुरू किया था मुंबई में. दरअसल ये कोलकाता में करीब 25 साल से चल रही है और हमारी प्रेसिडेंट है सुनीता बैनर्जी, डॉक्टर सुनीता बैनर्जी. एंड हम लोग ने शुरू किया इसे, हम खास करके बीएमसी स्कूल्स में काम करते हैं. वी वर्क ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, मतलब जो बीएमसी स्कूल्स में नहीं मिलता है अंडर प्रिविलेज बच्चों को, हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. ये संस्था उद्देश्य सॉरी व्हाट डिड यू से उद्देश्य व्हाट इज योर मिशन मिशन ओके हमारा मिशन है कि हम ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को पढ़ाई करें और उनके साथ उनको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कराएं उनके साथ, ताकि हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हम एजुकेशन दें. जी 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 तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि अच्छे काम के लिए हमेशा अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है और पैसों की ज़रूरत होती है और एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है. तो ये जो हमारे पास जो आज ऑक्शन के आइटम्स हैं वो सारे हमें फ्री मिले हैं. ऑब्वियसली हम उन्हें ऑक्शन करके पैसे रेस करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चैरिटी के काम के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है बिसाइड्स द पेपर वर्क जो हमको बीएमसी के साथ करनी पड़ती है. तो ये जितने भी अच्छे लोग जुड़ेंगे उतना समाज में अच्छा एक स्प्रेडिंग द गुडनेस वाली जो फीलिंग है वो है. काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्चुअली ऑक्शन की चीज़ें, ये हमारी प्रेसिडेंट बताएंगे क्योंकि मैं वो ऑक्शन. हमारे पास पेंटिंग्स है, एक ब्यूटीफुल जैकेट है, डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, हैम्पर्स हैं, बहुत सारे मसाबा की साड़ी है. या मसाबा की साड़ी है, ऐसी बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं हमारे पास जो हम ऑक्शन कर रहे हैं आज. और रैफल भी है, जो रैफल टिकट खरीदेंगे वो जीत भी सकते हैं और उसके लिए बहुत बहुत और किस्म के अलग किस्म के प्राइजेस हैं. थैंक यू. मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इवेंट है, क्योंकि हम एक सोसाइटी को वापस दे रहे हैं कुछ. चैरिटेबल फंक्शन है और हमारे जब मौकाम पे लोग आते हैं तभी बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पे फोकस लाएं आपके थ्रू. किस तरह से जुड़े हैं आप इसमें, क्या योगदान कर रहे हैं? एक्चुअली आज रात को हम TM स्टाइल लॉन्च कर रहे हैं, जो एक वेबसाइट है जहां हम हमारे जो वन ऑफ डिज़ाइनर या ड्रेस पीसेस जो मेरे लिए बहुत ही सेंटिमेंटल है वो हम ऑक्शन करेंगे, सेल करेंगे और उनके प्रोसीड्स जाएंगे चैरिटी को. चिपको वो तनिषा खुद अपने आप उनका एक ड्रेस ऑक्शन कर रही हैं और ऑनलाइन पे बहुत ड्रेसेस ऑक्शन होने वाले हैं. जी नहीं, अभी हमारा वेब आज रात को हम चिप फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तभी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. थैंक यू. अरे जल्दी आना. सेंटर रखूं इधर, इसमें रखूं? आज का इवेंट मैं दिल से बहुत खुश हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा इवेंट है. क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है.
क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम अपने आज के जो बच्चे हैं उनको जब हम उनका फ्यूचर बेटर करेंगे तभी हम अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं. सो दे आर फ्यूचर ऑफ आर्स. सो अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं तो अल्टीमेटली हम अपने लिए ही कर रहे हैं. इट्स वेरी वंडरफुल बिकॉज जब आपकी कोई चीज़ कोई इंसान खरीद के और वो किसी को हेल्प कर सकता है तो डेफिनेटली हमें वो करना चाहिए. और किसी भी वे में अगर हम किसी को भी हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए. मैंने एक्चुअली मैं बच्चों के संग बहुत खेलती हूँ तो मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं अपने अंदर का वो बचपन जो बच्चा है उसे बाहर निकाल के और जो भी कर सकती हूँ वो ज़रूर करती हूँ. आपने ऑक्शन की बात की, आपने क्या चीज़ मैं ऑक्शन मेरी चीज़ मुझे लगता है एक्चुअली बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन एक मेरा बहुत क्यूट सा टेडी बियर है जो बचपन से मेरे साथ है तो मुझे लगता है कि उसमें मेरी बहुत सारे इमोशंस अटैच हैं तो अगर मुझे ऑक्शन करना पड़े तो मैं उसी को करूँगी. क्रिसमस के अभी मैंने ज़्यादा कुछ प्लान्स नहीं किए हैं बट ऑब्वियसली बाय जब तक हम क्रिसमस तक पहुँचेंगे तो प्लान्स बन ही जाएंगे. सो बट मैं चाहती हूँ कि मैं फैमिली के संग क्रिसमस मनाऊँ. आई थिंक दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर मी. थैंक यू.